दोस्तों कैसे हैं? अभी मैं जो ओपनिंग लेके आया था वो निफ्टी पे लेके आया था। निफ्टी में को पोजीशन होना बन रहा था तो मैं सोचा कि आप लोग को एक बार निफ्टी पे अपनी पोजीशन बताऊं। आज आप निफ्टी देखेंगे तो आपको आज निफ्टी एक अच्छा खासा गिरावट, थोड़ा सा गिरावट के साथ फिर वापस अच्छी खासी रफ्तार के साथ उसने पिकअप करते हुए दिखाया है निफ्टी ने आपको। निफ्टी बहुत से बहुत यहाँ से 10951 पे क्लोजिंग दिया आज। बहुत अच्छा नीचे तक चला गया था बट वे वापस वापस अपने आप देखेंगे एडवांस 24 है, डिक्लाइन 26 है। इसमें जो आज अच्छा किया है वो यस बैंक है। यस बैंक में एक अप ट्रेंड बन रहा, हो सकता है आपको 195 तक ये दिखा सकता है। यस बैंक में एक पॉजिटिव ट्रेंड चालू हुआ है और क्रूड गिर रहा है, इसलिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, यूपीएल ये सब अच्छा खासा है। हीरो मोटर कॉर्प के साथ एक न्यूज है कि इसने न्यू कुछ गाड़ियां बनाई है, लॉन्च करने वाली है यूएस में, तो इसके साथ एक न्यूज है, इसके चलते ये अपवर्ड दिखा रहा है। आज अगर देखेंगे आप, अगर ओवरऑल देखेंगे तो क्या हुआ इसके साथ, एफआईडीआई की क्या एक्टिविटी रही, तो आप देखेंगे एफआई ने इसमें 386 करोड़ का सेल किया है और डीआई ने इसमें 87 करोड़ का बाई किया है। ये तो सिंपल एफआईडीआई की एक्टिविटी रही। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे आप तो निफ्टी में आज जो दिखाया गया सारे इंडेक्स लगभग रेड में रहे और विक्स चौकदा रहा, फिर भी इसके बावजूद इसमें निफ्टी में कोई खास गेन देखने को नहीं मिला। जहाँ निफ्टी एक टाइम आज देखेंगे लो बना दिया, 10880 का लो बनाया और इसका जो सपोर्ट था 10830 का उसने इसने ब्रेक नहीं किया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, और हाई इसने 10962 का बनाया, तो इसको यहीं पे 10970 पे जो इसको सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली इसने 10951 पे क्लोज दिया। निफ्टी यहाँ से हाई बहुत कुछ क्या जा सकता है, तो यहाँ से हाई 11300 मेरा बिलीव है कि जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। अभी टाइमिंग तो यही चार्ट पे बता रहा है, यही डाटा बता रहा है, और नीचे की ओर वापस ये अगर 10830 किसी भी 10800 तोड़ता है, 830 तोड़ता है तो आपको फिर नीचे का ट्रेंड दायरा ओपन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि नीचे का दायरा आपको देखने को मिले। कोई भी न्यूज मार्केट में रहे, कैसा भी न्यूज रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी अपने ऑलरेडी अपने हाई पे ट्रेड कर रही है और अब मुझे लगता है कि ये डाउन नीचे की ओर ट्रेड ये पॉजिटिवली बना सकती है। और इसमें एक अच्छा पैटर्न भी आप याद रखिए कि अगर इस बार किसी तरह निफ्टी 10,000 के लेवल को टच करती है किसी भी कारण से, अगर वापस 10,000 के लेवल को टच करने की कोशिश भी करती है, तो इस बार आपको गारंटेड, इस बार आपको 9,200 और उससे भी नीचे 8,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है आपको, अगर ऐसा होता है तो, जो कि ना हो तो अच्छा है। निफ्टी 50 में ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और अगर मैं ये देखूँ ये लेवल जो देखा 10,062, अगर ये लेवल किसी भी तरह ब्रीच होता है, टूटता है, तो इस बार जो गिरावट होगी बहुत ही सीवियर गिरावट होगी और उसके बाद कोई भी न्यूज अपने आप में काम नहीं करेगा, कोई भी न्यूज काम नहीं करेगा। तो निफ्टी में ऐसा मैं निगेटिव नहीं हूँ, जब आएगा निगेटिविटी चलेगा ऐसा, 10,062 को तो एक बार क्रॉस कर दीजिए, जब तक ऊपर है तब तक आप निगेटिव क्यों हो रहे हैं। बट आपके लिए जितने भी फॉल में स्टॉक है ना, आपको बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। आप कोई भी स्क्रिप्ट मत छोड़िए क्योंकि स्क्रिप्ट मिड कैप स्क्रिप्ट 40% 30% डाउन पे आपको मिल रहा है, तो इसके इंडेक्स में जो होना होने दीजिए, स्क्रिप्ट में आपको बाय करनी चाहिए। स्क्रिप्ट अच्छे आपको सस्ते लेवल पर मिल रहे हैं, मिड कैप जो भी है वो अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है, तो ये मैं एक लॉन्ग टर्म विजन बता रहा हूँ कि अगर 10,062 अगर किसी कारण से टूटता है, इस बार कोई भी रीजन से आपको 10,062 टूटते हुए दिखे, तो आपको पोजिशन थोड़ी सी आपकी कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो दिखेगा आपको वैसा नहीं दिखेगा कि 9,900 पे आके क्लोज हो जाएगा। इस बार अगर ये इस ब्रेक को तोड़ता है तो जितना ब्रेक यहाँ पे, जितने पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से ऊपर 1,000 पॉइंट, 1,200 पॉइंट, उतना ही पॉइंट नीचे जाने की क्षमता रखता है वो, तो 9,000 भी आपको टच करके दिखाएगा वो, या 8,700, 8,800 तक जाएगा। और ये दिख रहा है कि एक बार इलेक्शन के पहले ऐसा ट्रेंड बन के हो सकता है आपको देखने को मिले, तो ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में आप देखिएगा। अगर ऐसा होता है तो अभी 10,062 को क्रोच को क्रॉस नहीं किया है, ऊपर 11,300 बाकी है अभी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। एक तो अपसाइड बहुत ज़्यादा मुझे अभी दिखता नहीं है, ठीक है, निफ्टी पे डाटा पे पुट पे क्या कॉल राइटिंग हो रही है, क्या पुट राइटिंग हो रही है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। और अगर 10,951 का एट द मनी देखें तो आप देखेंगे 10,900 का आपको 11,000 के आसपास देखेंगे, तो 11,000 पे कॉल राइटिंग हो रहा है 3,06,000 का, 41,047 जो कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 50 लाख का था अभी 41 लाख का है। और अगर पुट की साइड देखें तो अनवाइंडिंग हो रही है और 24 लाख की ओर हो रही है, और पुट में अब नीचे की ओर राइटिंग हो रही है,
पुट साइड में देखेंगे तो आप 10900 पे, 10850 पे और 10750 की ओर राइटिंग हो रही है, और 10800 पे अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलने देखने को मिल रहा है। यही मैं 10830 बता रहा था, अगर ये लेवल टूटता है 10830 तो किसी भी कारण से टूटता है, तो रीजन कुछ भी होगा कुछ भी होगा, तो वापस आपको 10400 10200 देखने को मिलेगा, और 10062 अगर क्रॉस करता है तो 9000 देखने को मिलेगा। अभी जो मुझे लगता है कल का जो ट्रेंड रहेगा, अपर से अपर 11130 रहना चाहिए, 11130 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और लोअर से लोअर 10830 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो आपका चार्ट है यहाँ पे 10800 बहुत अच्छा 38 लाख का शेयर का सपोर्ट है, और यहाँ पे 11100 पे देखेंगे और 11200 में देखेंगे तो 32 लाख का सपोर्ट, और जाके 4,27,000 का आज का एडिशन 11200 पे हो रहा है। अभी शॉर्ट टर्म की बात करें, कल की बात कर रहे हैं, अभी अब पुराना जब 10800 तोड़ेगा तो देखेंगे, तो कल का ट्रेंड 11200 से ऊपर नहीं जाएगा, और कल जो रहेगा वो 10850 से नीचे नहीं जाएगा। तो कल का जो ट्रेंड आपको रहेगा 10850 से, अपर रेंज बता रहा हूँ आपको 11200, और हो सकता है कल आपको मार्केट में थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिले, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कल मार्केट में आपको हो सकता है फिर वापस 10900 या 10850 ये लेवल कल आपको देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा निगेटिव हूँ इसको लेकर के कि US मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट अभी तक हम लोग बहुत सारा हटाते रहे बचाते रहे, लेकिन इसको कितना आप यूज़ कर लोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, नैरो रेंज में मार्केट रहने की संभावना है, तो आप कल फ्राइडे है तो कल अगर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जो पोजीशन है उसको वॉच पर रखें, क्योंकि मंडे देखते हैं कि मंडे तक क्या स्थिति होती है, तो मंडे के नेक्स्ट वीक का पोजीशन अपना कल क्लियर हो सकता है। तो फिर भी आपको निफ्टी पे अगर कोई पोजीशन किसी को क्रिएट करना ही करना है, तो अगर SGX निफ्टी को देख करके देखें 11014 का दिखा रहा है, 11050 प्लस दिखा रहा है, तो SGX निफ्टी तो बाई साइड में रेकमेंड कर रहा है कि आपको बाई करना चाहिए, और 11050 के कॉल को बाय करें, 4500 रुपये पर मिल रहा है, और नीचे की ओर अगर किसी को है संभावना है लगता है तो 10950 का बाय करें, जो कि 57 रुपये का पुट मिल रहा है, तो 10 नीचे में 10950 का, 11 में 11050 का, लेकिन ये किसी भी तरह से एक दायरा आप समझ लीजिए, अगर ये टूटता है जिस ओर टूटेगा उस ओर बूम जाएगा, अगर 11300 तोड़ के ऊपर जाता है तो आपको ऊपर में 11600 11800 देखने को मिलेगा, और अगर 10850 टूटता है तो आपको नीचे देखने को मिलेगा 10550 भी देखने को मिलेगा। मुझे नीचे की ओर ज़्यादा दायरा लगता है, ऊपर की ओर थोड़ा कम लगता है, ऊपर की ओर अभी 11000 पे ही इतने दिन से खड़ा है वो, 11000 को ही क्रॉस करने में हालत ख़राब हो रही है इसकी डेली। तो अब यहाँ पे देखें तो आज क्या किया, अगर मैं इसको एक मिनट के चार्ट पे देखूँ तो ये देखिए यहाँ से अप जा रहा है, फिर अप लेता है, फिर नीचे आता है, बट इसके अप से एक दूसरे अप को 18 को क्लोज करता है, 19 को वापस एक नया हाई बनाता है, फिर आज नीचे लेता है, लेकिन आज नीचे लेकर भी जो 18 के हाई को था उसको जाकर के क्लोज करता है। तो आज ये जो 18 का हाई था 10982 के आसपास जो यहाँ पे दिखा रहा है 1 मिनट के चार्ट में 11000 को, तो हो सकता है कल आपको 11050 से ऊपर शायद नहीं जाना चाहिए, 11050 की ओर आपको जाते हुए दिखा सकता है कल, बट 11050 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा फील हो रहा है कि जो पोजीशन बन रही है उसे 11000 पर इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और अगर इसको क्रॉस करता है तो 11200 तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी हालत में निफ्टी कल आपको 11050 11080 क्रॉस करते हुए दिखता है तो आपको हो सकता है कि वो आपको 11200 को भी आपका रास्ता साफ करते हुए दिखाएगा। अगर मैं इसका तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे 10840 के आसपास 840 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 11070 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, तो 11070 क्रॉस में उसको तकलीफ आएगी, नीचे 10840 जाने में पॉसिबल नहीं दिखता है, तो आपको हो सकता है कल इसी दायरे में ऊपर नीचे खेले, हो सकता है कि कल आपको 40 से 50 पॉइंट में 11020 11030 ऐसे करके कल निफ्टी आपको कल की क्लोजिंग भी दे दे आपको नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक लाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं कि मैंने जो आपको निफ्टी के बारे में व्यू दिया था, अगर आप जाकर के मेरे वीडियो को देखते होंगे, अगर देखा होगा तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये वीडियो दिया था 4 दिन पहले, वीकली व्यू जो दिया था कि निफ्टी में 3 दिन अपसाइड रहेगा और
उसके बाद से गिरावट का दौर चालू हो सकता है। तो आज गिरावट आपको देखने को मिल गया, ऐसा ट्रेंड से ही पता चल रहा था। और हो सकता है कि कल आपको न्यूट्रल मार्केट में मार्केटिंग करके खराब हो खत्म कर सकता है। तो अब ये वीडियो में जाएंगे, आप देख सकते हैं निफ्टी में लगता है बहुत दम है, चला आसमान को छू लिया। आज मैं निफ्टी पे अपना वीडियो किया हूं, 10800 था तब मैंने आपको बाय का रिकमेंडेशन दिया था और मुझे लग रहा था कि एक बार 11000 को टच कर सकता है, बट 11000 को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 11070 को 11070 पे इसको एक रेसिस्टेंस है। तो कॉल पुट में अगर ये देखें, कॉल पुट में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 11000 में एडिशन हो रहा है 3,20,000 का, 11050 पे हो रहा है और 11100 पे अनवाइंडिंग हो रहा है और 11150 पे एडिशन हो रहा है, 11200 पे एडिशन हो रहा है। तो किसी भी हालत में आप देखेंगे तो 11200 पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, आज 427 से ऐड हुआ है, 11200 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है जो कि वो क्रॉस नहीं कर सकता है। और नीचे देखेंगे अगर यहाँ पे 3 लाख 4 लाख हो रहा है ऐड, तो नीचे भी आप देखेंगे पुट की ओर भी 3 लाख 3 लाख का 10850 10900 पे ऐड हो रहा है। तो लोग दोनों साइड में कन्फ्यूज हैं और कन्फ्यूज होकर पोजिशन दोनों साइड बना रहे हैं। यूएस मार्केट खराब है इसलिए नजरिया लोगों का नीचे की ओर है। एसजेक्स निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में अच्छी एक अनाउंसमेंट हो रही है कि हम बैंक इन्फ्यूजन होगा, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाता है जा सकता है, तो हो सकता है कि पॉजिटिव की ओर देखे। तो ये कन्फ्यूज का सेंसस है। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे जहाँ पे आज इसने 27300 का हाई बनाया, लो 27000 का बनाया और 27275 पे लास्ट मोमेंट पे जाकर के इसने क्लोजिंग दी निफ्टी बैंक ने। तो निफ्टी बैंक एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। और आप देखेंगे तो आज अच्छा खासा यस बैंक, IDFC, कोटक बैंक, फेडरल बैंक और HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाया है। तो निफ्टी बैंक भी हो सकता है कि एक अप ट्रेंड में आपको 27500 वापस आपको दिखाने की कोशिश करे। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे आज बैंक निफ्टी में एडवांस 6 डिक्लाइन 6, जितने एडवांसेस थे डिक्लाइन भी उतने ही थे। तो आज का मार्केट एकदम न्यूट्रल मार्केट था, न्यूट्रल मार्केट में क्लोजिंग दे दिया। मैं इसको सिर्फ निफ्टी में ये ओपिनियन लेके आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि निगेटिव ट्रेंड इसमें आपको चालू हो सकता है निगेटिव की ओर। तो मुझसे पूछे तो मैं शॉर्ट करके पोजिशन फ्यूचर शॉर्ट करके बैठना पसंद करूंगा रेदर देन फ्यूचर को लॉन्ग करना। लॉन्ग 11200 मैक्सिमम 11300 मैक्सिमम जा सकता है, लॉन्ग इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। या आपको जब लगे कि 10830 टूट रहा है, 10830 के आसपास आ रहा है, तो 10830 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। ये चार्ट में आपको यहाँ पे भी मैंने बताया 10839 या 830 अच्छा खासा यहाँ पे इसको सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 10500 भी देखने को मिल सकता है। 830 टूटने के बाद निगेटिव हो जाएगा और वो नीचे की ओर चला जाएगा। और चूंकि ये कंटिन्यू अप ट्रेंड बनाया हुआ है डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो एक कंटिन्यू ये अप ट्रेंड बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए आप 11-12 को अप बनाया, फिर 12-12 को बनाया, फिर ये अप बनाया 13 को न्यूट्रल रहा, फिर अप बनाया आपको 17 को, फिर 18 को अप बनाया, फिर अप बनाया 19 को, आज थोड़ा सा नीचे दिखाया डाउन। तो एक कंटिन्यू ये अप पैटर्न बना रहा है। और ये देखेंगे यहाँ पे तो लो बनाया था 10928 का, आज 10880 का भी लो बनाया है। आप इसको किसी के मार्केट के सेंटीमेंट से, फेड के रिजल्ट से किसी से मत गेन करें, ये अपने टेक्निकल चार्ट पे चलता है और ये शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म सबको डिस्काउंट करके चलता है। अगर यूएस को डिस्काउंट करता नहीं किया रहता तो यूएस में जो फॉल देखने को मिला है उस फॉल का थोड़ा सा भी इम्पैक्ट यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिला। और ये देखिए जो ये रेसिस्टेंस लेवल है, बार बार यहाँ से टच होकर के नीचे की ओर फॉल होता है, यही लेवल है 10950 10970, ये जो लेवल है 10970 यहीं से यह जाता है, टकराता फॉल नीचे हो रहा है। और ये इसको कोशिश भी नहीं, दो बार यहाँ पे जाके कोशिश किया नीचे की ओर आया। तो इस चार्ट से लगता है अगर कल किसी कारण वॉल्यूम के साथ ये अब तोड़ता है 11050 क्रॉस करता है तो 11200 देखने को मिलेगा। और 11000 आपको अगर 950 955 ऐसा कुछ कर न्यूट्रल 11050 से नीचे कुछ भी दिखता है तो हो सकता है कि वो फिर नीचे की ओर एक बार लेने को जाएगा। तो हो सकता है कल मार्केट अगर आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा अप भी दिखाए तो सेकंड हाफ में आपको डाउन ले लेगा। तो मेरा ओपिनियन अभी तो है या तो आप कल की ओर कोई पोजीशन नहीं बनाए, देखते हैं बैंक निफ्टी, और बनाना है तो मुझे है कि आप निगेटिव साइड बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या पुट पर पोजिशन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आपको दोनों साइड चलना है तो आप 10950 पे चलिए, 10950 का कॉल और पुट दोनों ले लीजिए,
दोनों 10950 का ऑप्शन, इसका 57 चल रहा है पुट और इसका चल रहा है 96 कॉल, तो आप इस पे पोजीशन चाहे तो बना सकते हैं, दोनों को बाय कर लें और आप बुला जाएंगे नीचे और जाना है कि ऊपर और जाना है, जहाँ जाना है जाने दीजिए, आपको दोनों साइड फायदा मंथ एंड तक हो जाएगा आपको। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी भी हालत में इस मंथ की क्लोजिंग 11 ऊपर देगा, 11 एक से ऊपर तो सवाल ही नहीं होता है, और 11050 तक दे दे तो चलेगा, बहुत से बहुत ज़्यादा नीचे साइड आपको ज़्यादा चांसेस है, 10800 के राउंड क्लोजिंग हो सकता है इस मंथ की हो जाए, तो आप चाहें तो 10950 की कॉल पुट दोनों को एक साथ लेके आप बाय कर सकते हैं। कॉल आपको 57 में मिल रहा है और पुट आपको 96 में, पुट 57 में। तो कल जो रेट होगा आपको न्यूट्रल रेट ही मिलने वाला है, इसी के रेट के आसपास आपको कल भी मिल जाएगा। फिर भी ये एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, आपको कोई भी पोजिशन मार्केट में बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके बात करके फिर बनाइएगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है मार्केट में। आप डायरेक्ट, क्योंकि हम उस समय रहेंगे नहीं आपको बताने के लिए हर लेवल पे कौन सा लेवल है क्या लेवल है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसको देखूँ, वन डेज का देखूँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 11085 जो 11070 बताया आपको, यहाँ पे एक लेवल है, फिर 11 सीधा यहाँ के बाद 11294 की ओर आ जा रहा है, और इसको अभी यहाँ पे 10714 पे सपोर्ट बता रहा है कि बहुत अच्छा 10700 पे सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको 10830 पे बताया। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि इसको सपोर्ट तो नीचे 10830 के आसपास है, ऊपर इसको 11085 11080 बोल लीजिए, 11070 बोल लीजिए, तो 11000 उसके आसपास है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा कल का मार्केट 11085 70, और नीचे मुझे नहीं लगता है कि 10950 के नीचे भी जाएगा, 10900 मान लीजिए मैक्सिमम। तो 10950 का अगर आप पोजीशन बनाते हैं, कॉल पुट दोनों लेते हैं, तो आपको दोनों भी हो सकता है अर्निंग आपको देखने को कल का मिल सकता है। वापस जाते जाते अगर हम SGX निफ्टी पे एक बार वापस अपडेट देख ले क्या चल रहा है, SGX निफ्टी क्या चल रहा है, तो 11005, ये देखिए उस समय 11019 दिखा रहा था, अभी 11005 दिखा रहा था, ऐसे 19 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिला करके कल की क्लोजिंग दे देगा। कल थर्सडे, आज ये थर्सडे का चल रहा है, कल फ्राइडे का ये आपको मार्केट क्लोज दिखा देगा। इंडिसेस की बात करें कि इंडिसेस में क्या दिखा रहा है अभी, तो मेजर इंडिसेस देख लेते हैं अभी क्या दिखा रहा है, जो मार्केट है क्या बता रहा है, यूएस का मार्केट क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लें। तो यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा, एक मिनट जस्ट मिनट, मेजर इंडिसेस एक बार देख लेते हैं इसको क्या दिखा रहा है। मेजर इंडिसेस में देखेंगे तो निफ्टी में तो आप क्लोजिंग देख लिए, डाउ में देख लीजिए 129 पॉइंट का नेगेटिव है, S&P में 8 पॉइंट का है, तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन अभी ऐसा नहीं पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो अब इस पर ये रख सकते हैं, कॉमोडिटी में एक बार देख लेते हैं, कॉमोडिटी में ब्रांड आपको दिखा रहा है वापस, क्रूड में वापस नेगेटिविटी दिखा रहा है, और भी क्रूड नीचे जाने को तैयार है 55, और भी नीचे जा रहा है क्रूड, तो क्रूड और भी नीचे जाने को तैयार है आपके पास, इन्जॉय कीजिए ऑयल सेक्टर में। और अगर मैं इसमें फॉरेक्स की बात करूँ, तो फॉरेक्स में USD में देखें तो 0.34 का आपको मजबूती दिखा रहा है, रुपया भी मजबूती है, क्रूड भी मजबूती है। अगर डाउ जोन्स ये न्यूट्रल रहा है, SGX निफ्टी है, तो आपको 11050 शायद कल आपको दिखा दे, 11080 11090, इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, मेरा अपना ओपिनियन है कल की क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक का आपका टारगेट और रेसिस्टेंस लेवल ला देंगे निफ्टी पे, बता देंगे आपको, जैसा इस वीक रहा, जैसा इस वीक आपने अर्न किया होगा, बहुत लोगों ने 11000 का कॉल बाय किया था, 10800 का किया था, जब वो ये वीडियो 10800 पे बनाया था तभी किसी ने 10800 का बाय किया था 11, और बहुत सारे मैसेज भी आए थे, आप देखेंगे खुद देखेंगे नीचे मैसेज भी है कि यहाँ पे उन्होंने बाय किया था, मनोज मिश्रा जी हैं, उन्होंने बाय किया था 150 का लॉट, 11200 पे बाय किया था, दो लॉट को बेचा था, फिर 27500 का मैंने सजेस्ट किया था बैंक निफ्टी, उन्होंने दो लॉट बाय किया उसको बेचा, तो बैंक निफ्टी और इन्होंने, आप देखते रहिए, वॉच में रहिए, कमेंट में रहिए, पोजीशन पे रहिए, तो शायद मैं आपको एडवाइस कर दूँ, आपको फ़ायदा हो जाए। बाकी तो आपके पास एडवाइजर हैं ही, निफ्टी हैं ही, लोग हैं ही आपके टच में हैं, मार्केट में हैं, कुछ तो आप भी जानते हैं,
तो बस ये सारे एजुकेशनल पर्पज से वीडियो मैं सिर्फ बनाता हूँ, मैं मार्केट में पोजीशन की किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ। आपका वेल्थ है डूब सकता है, और ये सारे प्रेडिक्शन पे होता है। प्रेडिक्शन अगर गलत हो गया तो आपका वेल्थ सीधा आपका वेल्थ हार्म होगा। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए और फिर आप मार्केट में पोजीशन बनाइए। किसी को ब्लेम मत कीजिए, पैसा आपका कोई आपको रिटर्न करके नहीं देगा, पैसा आपका है, आपको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ये प्रेडिक्शन क्या बोलता है, एक चार्ट क्या बोलता है, अगर मैं कल बोलूँ बरसात होने वाला और नहीं हुआ, और आपने कोई बरसात का के चलते कोई खेती कर ली हो, तो कल तो डूब जाएगा आपका। तो मेरा तो प्रेडिक्शन था लेकिन आपका तो वेल्थ लगा था। तो ठीक है, औरों को भी सुनिए, देखिए और जज कीजिए, आप खुद जज कीजिए। आप भी थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा एनालिसिस कीजिए, क्या चल रहा है क्रूड, क्या चल रहा है डॉ जोन्स, क्या चल रहा है मार्केट, कैसा लग रहा है मार्केट, पॉजिटिव सेंटीमेंट है क्या, न्यूज़ क्या निगेटिव है क्या, फिर उसके बाद टेक्निकल पे आ जाइए। तो टेक्निकल सजेशन और अगर सेंटीमेंट है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे फेड का रिजल्ट सबको मालूम था, तो फेड डिस्काउंट हो चुका था मार्केट में, अब इलेक्शन का रिजल्ट डिस्काउंट हो चुका था, ये सबको नॉन था कि जो भी गिरावट पहले हो चुकी है अब केवल अपवर्ड होना है। तो इसके लिए टेक्निकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव बाहर, 10-800 पे पुट की राइटिंग हो रही थी, तो टेक्निकल भी बता रहा था, आपका डेरिवेटिव भी बता रहा था और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव था। इसके लिए ये बहुत ईजी कॉल था देना कि 11,000 टच करेगा। अब क्या है, 11,000 ऑलरेडी ये पिक पे जा चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत रिस्क रहता है कि अगर किसी तरह से सेंटीमेंट 11,000, क्योंकि अब इलेक्शन का भी दौर चलेगा, अब 2019 की जो इलेक्शन लोकसभा का उसका भी वह चर्चा होने लगा, तो एक थोड़ा सा असमंजस की सुविधा है। लेकिन किसी भी तरह से चार्ट में ट्रेंड में इस महीने की क्लोजिंग 11,100 के ऊपर तो नहीं दिख रही है। अगले महीने फिर से वापस वैसे सॉलिड पुट की राइटिंग होने लगी, जैसे 10-800 पे चालू हुआ था, 11,200 पे अगर कोई राइटिंग करने लगे तो फिर 11,500 11,800 आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कौन होगा, क्या होगा पोजीशन, क्या डेरिवेटिव पे पोजीशन बनेगी, ये मुझे कोई बता के नहीं करेगा। जब करेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कल की क्लोजिंग के लिए सिर्फ बात कर लें, कल 11,050 का दायरा आपको दिखा सकता है, नीचे 10,900 भी दिखा सकता है। तो 10,900 से 11,050, 11,070 ये देखिए जो रेसिस्टेंस है, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, नीचे 10,950 से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये रेंज में आपको चाहिए तो कोई पोजीशन बनाइए, या 10,950 पे जैसे आपको मैंने बताया कॉल पुट दोनों पे पोजीशन बना करके आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये पेपर ट्रेडिंग के लिए सिर्फ है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए और एजुकेशनल पर्पज से है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।